एबे संपूर्ण खबर आज दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ करी पारे ईडी। दिल्ली मद नीति दुर्नीति मामलें प्रवर्तन निर्देशालय तीन थर समन पर भी हाजर होना केजरीवाल से प्रत्याख्यान कर चलता बेले एवं से गिरफ हो पारती जोर धरी चर्चा। गतका दल वरिष्ठ नेता तथा दिल्ली मंत्री अतीश एक्स पोस्ट रे लिखिथिले जे दिल्ली पुलिस गुरुवार सकाळे अरविंद केजरीवाल को बासभवन रे चढ़ाव करबाकु जाउछि। मुख्यमंत्री केजरीवाल गिरफ होइ पारंती आपर अनेक नेता ए खबर पछरे सत्यता रहितबा नै मध्य दाबी करिसेंति। तेबे सबुठु बड़ प्रश्न हेउछि दुर्नीति को प्रसंग करी सृष्टि होइतिबा दल आज दुर्नीति तदंतकारी संस्थार ना सुनिले लुचुछि काहेकि। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हर इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। अब तक ईडी के जितने भी समन्स आए हैं वो इलीगल हैं और इसीलिए हमने इस समन्स का रिस्पॉन्ड नहीं किया है। पिछले रात को पुख्ता सूत्रों के हवाले हमें पता चला था कि ईडी की रेड होने वाली है, अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। देखिए लगातार हम ये सुनने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाएगा। भाजपा के अपने नेता लगातार ऐसा बोल रहे थे, हमारे तीन नेताओं को बिना किसी सबूत के इतने लंबे टाइम तक जेल के अंदर रखा हुआ है। तो क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा नीतियों में अरविंद केजरीवाल जी का मुकाबला नहीं कर सकती और लगातार ऐसी कोशिश उनकी जारी है। दिल्ली प्रतिनिधि मनोज महांती आम सहित फोनलाइन जो जोड़ी होती। मनोज, जो कथा सामना को आसुची जे आज दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ करा जाई पारे बा ईडी तांको आज गिरफ करी पारे, पूर्व अनेक बार समन सत्ते से हाजर होइ नथिले जोंति पई गिरफ होइ पारंती। देखो दिल्ली मद दुर्नीति घटना रे अरविंद केजरीवाल को सरकार कर ए दुर्नीति रे जतबेले कि ईडी तीन थर समन दे सारी अरविंद केजरीवाल को, तेणु ये प्रत्येक थर ये नोटिस को अरविंद केजरीवाल अणदेखा कर, तेणु से दृष्टि आज ईडी जो अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करार संभावना देखा जाता निश्चित भाव संभावना अच्छी। से दृष्टि दिल्ली सरकार पक्ष आईन श्रृंखला आईन श्रृंखला उपजा स्थित को नहीं अरविंद केजरीवाल को बासभवन प्राय गोटे किलोमीटर हे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी एवं समस्त प्रकार जेहेतु आगू इलेक्शन अच्छी, तेणु ये अरविंद केजरीवाल को जदि गिरफ कर निश्चित भाव गोटे कौटना कौटे आईन श्रृंखला स्थिति उपजार संभावना अच्छी। कारण आपन तीन थर जितेबले ईडी रो नोटिस पाई सारी अरविंद केजरीवाल ईडी हाजर होना, तेणु हुए तो गिरफ आशंका बढ़ी पारे। किंतु यार भितर ईडी पक्ष एक सूचना मिली जे अरविंद केजरीवाल को आउ एक समन दिजाव अर्थात चतुर्थ थर समन दिजाव, कारण अरविंद केजरीवाल को जदि गिरफ कर निश्चित भाव आईन श्रृंखला विपर्यस्त परिस्थिति सृष्टि हे। से हुए तो ईडी ये जो निष्पत्ति अरविंद केजरीवाल को चतुर्थ थर पर नोटिस पठेबे अरविंद केजरीवाल से नोटिस जवाब देवे ईडी आशा रखी। कारण आप जानते पूर्व जितेबाला तीन थर नोटिस दिया जाए कि जितेबले कि एप्रिल अरविंद केजरीवाल को 9 घंटा धरी जेरा करा नवंबर में नोटिस देता, तेणु ये नोटिस को आप सरकार अरविंद केजरीवाल हालकु भाव नहीं सेमाने भावुले जे ये नोटिस सेमानको विरुद्ध षड्यंत्र कराई। कारण आपण जानते मद दुर्नीति मामलें पूर्व दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल आप सांसद संजय सिंह मध्य जेल अच्छा, तेणु मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जितेबले गिरफ हे निश्चित भाव आप दल प्रति विपद बढ़ अरविंद केजरीवाल प्रति विपद बढ़ तेणु जेहेतु आगू लोकसभा निर्वाचन अच्छी, तेणु निश्चित भाव ये आईन श्रृंखला परिस्थिति सृष्टि हम तेणु ताकु नजर रखी ईडी निश्चित भाव चतुर्थ थर पर अरविंद केजरीवाल को एक समन पठे जहां सूचना मिली। एपटे अरविंद केजरीवाल आईनगत भावे ईडी को सामना करने तैयार होती जहां अरविंद केजरीवाल आप दल मुखपात्र सूचना रही तेणु आम नजर रखा जे कौन ये घटना उपर हो कारण गिरफ्तार
जो संभावना रही गिरफ्तार पूर्व ईडी ये जो आउ एक समन कथा कह थे समन देवा कथा कह नजर रखा ना और पुलिस प्रशासन अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर नजर रखा निवेदा निहत भाव में मनोज आप नजर रखी था वास्तविक आज दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्त करुच्ची ना ना ईडी कहीं पूर्व बारंबार समन सत्वे से हाजर हो नुच्छे चतुर्थ समन कर ईडी आज गिरफ्त करुच्चे निश्चित भाव में बड़ खबर उपरे हमरो नजर रहिबो। धन्यवाद मनोज आपनको तमाम सूचना पाई। जदि आपनको हमो वीडियो टी भल लागिला तबे हमो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमे भी भूलंतु नहीं।